कहते हैं मनुष्य जीवन में अनुशासन का बहुत महत्व है, परंतु एक हद से अधिक कोई भी चीज घातक साबित हो सकती है, जिसके कई उदाहरण हमारे सामने हैं। ऐसा ही एक मामला धार जिला मुख्यालय पर पुलिस महकमे में देखने को मिला। धार एएसपी आदित्य प्रताप सिंह ने धार के नवागत एएसपी के रूप में चार्ज लिया। भोपाल से आए नवागत एएसपी कड़क मिजाज के हैं, लिहाजा आते ही पुराने डर्रे को दुरुस्त करने में लगे हैं। पुलिस कर्मियों में सम्मान की भावना के साथ साथ अनुशासन की कड़ी को भी जोड़ा जा रहा है, लिहाजा हर थाने से नियत दिन पर को पुलिस कर्मियों को बुलाया जा रहा है और परेड करवाई जा रही है, जिसके जवान चुस्त दुरुस्त रहे। परंतु अचानक हुए बदलाव के कारण कई जवान परेशान देखे जा रहे हैं। कड़क एएसपी के निर्देश हैं, जिसका पालन हर अधिकारी को करना है, लिहाजा हो भी यही रहा है। परंतु पुलिस के पास कई काम है, जिसके बाद अलग से यह नया काम, जिससे जवान देखकर अनुशासन की बात कर रहे हैं। सर, जिला मुख्यालय पे जो पुलिस फोर्स की परेड हो रही है, इसको लेके क्या रवैया? देखिए, परेड पुलिस में अनुशासन और पुलिस की वर्किंग के लिए बहुत ही बेसिक है, और ये चाहे पुलिस रेगुलेशन हो, चाहे कोई भी प्रोसीजर हो, उसमें पुलिस जो परेड है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ वीक में अब दो बार परेड हो रही है, जिसमें एडिशनल एसटी वाइज एक बार नॉर्थ के सभी सब डिवीजन और उनका बल आता है, और एक बार साउथ के सब डिवीजन उनका बल आता है, और थाने से परेड के लिए बल निकाला जाता है। लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी के अलावा जो बल बचता है उसे यहाँ बुलाया जाता है, और यहाँ परेड करने से एक अनुशासन, एक फिटनेस उनके अंदर इंड्यूस करेगी। पुलिस थानों पर ये परेड नहीं हो सकती? देखिए, पुलिस थानों पे परेड कराना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो सही मैकेनिज्म है वो मुख्यालय की परेड है, जिसमें आरआई उस परेड को कंडक्ट करते हैं। पुलिस थाने पे पीटी परेड हो सकती है, और यदि कभी मौसम खराब होता है, यदि परेड नहीं की जा सकती किसी कारण से, थानों पे पीटी परेड करेंगे। अच्छा सर, इससे क्या है कि पूरा पुलिस फोर्स मुख्यालय पर आ जाता है, तो क्या फिर थानों पर अगर कुछ ऐसा मामला आ जाए तो फिर उसमें किसे? देखिए, ये बहुत एडवांटेजेस पोजिशन में रहेगा। जो फोर्स परेड करने आएगी वो रिजर्व फोर्स के रूप में काम करेगी। जब कोई घटना होती है तो हम फोर्स चारों तरफ से इकट्ठा करते हैं। जब परेड होगी तो ऑलरेडी आपके पास करीब 3 प्लेटून इकट्ठी रहेंगी, तो एक रिजर्व फोर्स के रूप में ये फोर्स काम करेगी, और जहां पर भी लॉ एंड ऑर्डर होगा उसको टैकल करेगी। सर, सूत्रों की खबर ये है कि मतलब कुछ पुलिसकर्मी को अगर 10 मिनट भी लेट आ जाते तो उनकी 5 दिन की गैरहाजिरी लगती है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक पुलिस का यह अनुशासन का मामला है। यदि कोई व्यक्ति गैरहाजिर होता है तो हमने उसका सर्कुलर निकाला है कि उसकी वापसी लाइन में होगी, उसके बाद उसका ओआर में निकाल होगा। लेकिन क्या है, कोई भी गैरहाजिरी होगी उसका निकाल पुलिस अधीक्षक द्वारा किया जाता है। अब ओआर वो सही प्रोसीजर है, तो ये अनुशासन के लिए, देखिए पुलिस बिना अनुशासन के चल नहीं सकती, अनुशासन जो है वो बेसिक है पुलिस की। सर, इससे मानसिक रूप से पुलिसकर्मी प्रताड़ित नहीं होंगे? नहीं, इसमें कोई बताना की कोई बात नहीं। अनुशासन पुलिस का बेसिक फीचर है, और अनुशासन एस्टैब्लिश करने में कोई मानसिक प्रताड़ना नहीं। सर, पुलिसकर्मी जो साप्ताहिक अवकाश मिलता था वो भी मतलब बंद हो गया या पर चालू होगा क्या? नहीं, वो प्रक्रिया भी चालू है। चालू है, आइडिया नहीं है, मैं उसका अवलोकन कर लेता हूँ। यदि चालू नहीं हुई तो हम उसको शुरू कर देंगे। सर, कब तक उम्मीद होगी? सर, मैं एक बार रिव्यू कर लेता हूँ, अगर होगा तो हम उसको इसी वीक से शुरू कर देंगे।